हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंड्यूरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड शेयर के बारे में। तो पहले हम लोग इस शेयर का फंडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर का टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद जानेंगे इस शेयर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो में अंत तक बन रही है। तो देखिए, आज के डेट पे ये शेयर हाई गया था 1550.05, लो गया था 1490.20 एंड आज के डेट पे इस शेयर ने आपका रिटर्न दिया 3.25% एंड क्लोज हुआ है 1545.70 पे। इस कंपनी का अभी मार्केट कैपिटल है ₹21,742.26 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है ₹21,756.70 करोड़ एंड पीई रेशियो है 53.57। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ ₹48.73 करोड़ का, तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल कर आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.01। अगर किसी भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से कम ही है। एंड इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 1.21। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से ज्यादा ही है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है ₹28.85, रिटर्न ऑन इक्विटी है 15.61% एंड ROCE है 20.30%, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा ही है। ये जो कंपनी है एंड्यूरेंस टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग है 75%, DII का होल्डिंग है 16.69%, FII का होल्डिंग है 6.43% एंड पब्लिक का होल्डिंग है 1.88%। अगर किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक चीज देखिए, ये जो आपका 75% प्रमोटर्स का होल्डिंग है, इसमें आपका कुछ भी शेयर प्लेज नहीं है, प्लेजिंग शेयर का जो परसेंटेज है बिल्कुल जीरो है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और एक चीज देखिए, मार्केट के 94% एनालिस्ट इन्वेस्टर को ये शेयर आपका बाई सजेस्ट कर रहा है, जो कि एक अच्छा बात है। और ये कंपनी हर एक ईयर पे अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करता है एंड कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट में भी है, जो कि फंडामेंटली एक अच्छा बात है। और एक चीज देखिए, जो कंपनी है एंड्यूरेंस टेक्नोलॉजीज, ये कंपनी आपका मनी कंट्रोल के टेक्निकल के हिसाब से डेली चार्ट में, यहाँ पे देखिए डेली लिखा हुआ है, डेली चार्ट में क्या है, वेरी बुलिश है। एक बार वीकली चार्ट में भी देख लेंगे, तो देखिए वीकली चार्ट में भी ये शेयर आपका वेरी बुलिश है। एक बार मंथली चार्ट में भी देख लेंगे, तो देखिए मंथली चार्ट में ये शेयर आपका बुलिश है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का चार्ट पे, वहां पे जाके इस शेयर का चार्ट का भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए, मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का आपका वन डे का चार्ट भी ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, इस जगह पे आपका है 16 अगस्त 2022 का दिन, यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा था, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था, लेकिन उसके बाद ये शेयर आपका थोड़ा सा गिरा था, लेकिन जितना भी गिरा सुपर टेन का जो ये वाला सपोर्ट लेवल इसको तोड़ नहीं पाया और यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए शेयर आपका अपटेन हो चुका है। एंड आपका आज के डेट पे यहाँ पे हम लोगों को एक आपका बहुत ही पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। और आज के डेट में क्या किया, देखिए इसका जो आपका स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस लाइन था, जिसको मैंने यहाँ पे रेड कलर का एक आपका लाइन ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाया, इस लाइन को भी आज के डेट पे ये जो कैंडल फॉर्म हुआ, इस कैंडल ने तोड़ दिया है, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है। और एक चीज देखिए, यहाँ पे देखिए आपका 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के बीच में एक आपका क्रॉसओवर फॉर्म हुआ है, और जब भी ऐसा क्रॉसओवर फॉर्म होता है तो ज्यादातर शेयर आपके ऊपर की तरफ ही भागता है। एंड डेली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 50 डेज, 200 डेज एंड 100 डेज तीनों मूविंग एवरेजेस का जो लाइन है इसके ऊपर टटकता हुआ दिख रहा है। RSI भी देखिए यहाँ पे आपका अबव 60 और MACD भी आपका 0.0 से ऊपर है, मतलब डेली चार्ट में ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, इस जगह पे आपका है मई 2022 का 4th week, यहाँ पे हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखा था, जिस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था, तब से देखिए लगातार ये शेयर ऊपर की तरफ भाग रहा है। और अभी जो करंट वीक चल रहा है यहाँ पे भी हम लोगों को एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। और इसी करंट वीक में इस शेयर ने क्या किया, इसका जो आपका लास्ट हायर हाई लेवल था, जिसको मैंने रेड कलर का लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे आप लोगों को दिखाया, इस लाइन को भी तोड़ दिया है, जो कि टेक्निकली एक अच्छा बात है।
और एक चीज देखिए, वीकली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर आपका 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज तीनों मूविंग एवरेज का जो लाइन है इसको भी आपका तोड़ दिया है। अगर हम लोग RSI की बात करेंगे तो RSI भी यहाँ पे आपके अबव 60 है और MACD भी आपका 0.0 से ऊपर ही है। मतलब आपका वीकली चार्ट में भी ज्यादातर इंडिकेटर यहाँ पे हम लोगों को बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। ओके, तो अभी इस शेयर का जो करंट मार्केट प्राइस है अराउंड आपके ₹1545, अगर लगभग इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए तो मेरे हिसाब से लगभग 4th से 5th महीने के अंदर ये शेयर आपका 1900 का जो टारगेट है उसको भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।